सबसे बड़ा मामला जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का है, चर्चा उसी की हो रही है। कांग्रेस ने मना कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे क्योंकि ये मंदिर आधा बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे, साथ में मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख है वो रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, पूरे राज्य भर में छुट्टी कर दी गई है। उस पर आप तमाम शंकराचार्यों ने मना किया है आने से, उन्होंने कहा कि मंदिर पूरा नहीं बना हुआ है। एक शंकराचार्य जी ने तो कह दिया, पूरी वाले निश्चलानंद जी ने, कि अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या ताली बजाएंगे। बनारस में भी हो ही गया सर्वे, ASI का भी सर्वे। मसला चर्चा चूंकि इस बात की हो रही है तो ये भी हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो एक जमीन मस्जिद के लिए भी दी। कहाँ? मथुरा में जो मस्जिद है उस पर भी सर्वे का आदेश हो रहा है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे साथ मौलाना अरशद मदनी साहब हैं जो कि जमीयते उलेमा हिंद के प्रमुख हैं, और आपको पता है जमीयते उलेमा हिंद भारत के मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है। अयोध्या मामले में भी जमीयते उलेमा हिंद ने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की लड़ाई में भी जमीयते उलेमा हिंद का बहुत योगदान रहा है। मदनी साहब से तमाम सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे। मदनी साहब ने हमें वक्त दिया है। मदनी साहब कैसी है, तबीयत कैसी है आपकी? बस सर्दी का असर है, इसकी वजह से तकलीफें रहती हैं बुढ़ापे के अंदर। जैसे आदमी की उम्र होती है वैसे ही बढ़ती जाती है, तकलीफें बढ़ती जाती हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने कवर की थी जब कुछ दिन पहले दिल्ली में थे, तमाम मुद्दों पर आपने अपनी बात बेबाकी से रखी, चाहे वो EVM का मामला हो, चाहे वो फिलिस्तीन का मामला हो। इस समय सबसे बड़ा मामला जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का है, चर्चा उसी की हो रही है। कांग्रेस ने मना कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे क्योंकि ये मंदिर आधा बना हुआ है, तमाम शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। इस पूरे जिस तरीके से इतना बड़ा इवेंट बना दिया देश में, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे, साथ में मोहन भागवत जो कि RSS के प्रमुख है वो रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, पूरे राज्य भर में छुट्टी कर दी गई है, उस पर आप इस पूरी इवेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा मसला ना राम मंदिर की शुरुआत करने से है, ना हमारा मसला उसको सियासी मसला बनाने से, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई तो 65-70 साल इस चीज़ पर रही कि ये जगह अपनी मस्जिद की है या यहाँ मंदिर था, ये जगह राम जन्मभूमि थी, उसको तोड़ करके बाबर ने यहाँ मस्जिद बनाई है। हमारा मसला सिर्फ इतना था। हम ये कहते थे कि अगर किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी है और वो मस्जिद की जगह नहीं है तो हम उसको मस्जिद नहीं मानते। हमें यकीन था कि ये मस्जिद की जगह है, मस्जिद ही थी, जब से बनी है आज तक मस्जिद है, उससे पहले ये जगह खाली होगी। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ने, एक आदमी ने नहीं 3 आदमियों का फैसला आ गया, और वो फैसला ये था कि मस्जिद अपनी जगह पर है, किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। हमने उस फैसले को मान लिया, उन्होंने दे दिया। हम ये गलत समझते हैं, हम समझते हैं कि जब वो मस्जिद थी तो मस्जिद वालों को मस्जिद मिलनी चाहिए थी। हमारा मसला इस जगह पर है। इसका मतलब है कि आज जहाँ मंदिर बना है, कहा जा रहा है कि ये मंदिर था, मस्जिद को तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का ये कहता है कि ये सब गलत है। जहाँ आज मंदिर बन रहा है, ये हमेशा से मस्जिद थी, यहाँ कभी मंदिर तोड़कर नहीं बना, ये राम जन्मभूमि नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और 3 जज कह रहे हैं।
हमारा मसला ख़त्म हो गया। हम ये समझते हैं सारी दुनिया शोर मचाए कि हम राम मंदिर बना रहे हैं और हिंदुस्तान का हर आदमी ये कहे। हम ये कहते हैं सब आँख में धूल झोंक रहे हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये मस्जिद है, मस्जिद की जगह है, यहाँ मंदिर नहीं था, ये राम जन्म भूमि नहीं है। बालफा जिंदीगर ये कहा जाए। आज अगर कोई कह रहा है राम जन्म भूमि है, वो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कह रहा है। फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा हजरत कि वहाँ राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, जिन लोगों से हम मुकदमा लड़ रहे थे उन्हीं लोगों ने ये फैसला किया कि मस्जिद अपनी जगह है। जिन लोगों ने उसमें मूर्ति रखी है उन्होंने गलत किया, ये मुजरिम है। हमारा मसला तो हल हो गया। इतना आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है हम नहीं जानते, वो फैसला हमारे हाथ के अंदर है, हमारा मसला ख़त्म हो गया। आज जो ये कह रहे हैं कि ये राम मंदिर बना और राम की जन्म स्थान है, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये गलत है, गलत है, गलत है, ख़त्म मसला, और तो कुछ भी नहीं है। अरे जो पूरा माहौल बन गया इस देश, ये माहौल जिसने बनाया है वो बनाया है। हमारी बात को कोई ये कह दे कि ये गलत है, हम जाने कौन आदमी है हिंदुस्तान में जो ये कह देगा कि गलत है ये बात। अच्छा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का नेता अगर आपको आया, हो सकता है आए, क्योंकि आप जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख हैं और सबसे बड़ा संगठन। मैं नहीं समझता हूँ, मुझे कितने आएगा। अगर आप कमाल की बात कहते हैं, जिस जमीयत उलमा ने 70 साल मुकदमा लड़ा है और उस मुकदमे में जमीयत उलमा जीती है, हारी नहीं है। दुनिया कहे हार गई, मैं कहता हूँ नहीं, जीते हैं। हम मुकदमा लड़ रहे थे, यही मुकदमा था कि ये राम जन्म भूमि है या मस्जिद है। कोर्ट ने फैसला कर दिया मस्जिद है, ख़त्म हो गई। मैं ये समझता हूँ, मैं कहता हूँ अपने अकीदे के एतबार से कि यहाँ एक मंदिर नहीं 100 मंदिर बन जाएं, मगर क़यामत तक ये जगह मस्जिद ही रहे, ये मस्जिद है। वो मैं कैसे चला जाऊँगा और मुझे भेजेंगे क्यों? आप अजीब सवाल कर रहे हैं मुझसे। हो सकता है भेज दें, कैसे भेज दें, वैसे ही खामखा भेज दें। हजरत, तमाम शंकराचार्यों ने मना किया है आने से, उन्होंने कहा कि मंदिर पूरा नहीं बना हुआ है। एक शंकराचार्य जी ने तो कह दिया, पूरी वाले निश्चलानंद जी ने, कि अगर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या ताली बजाएंगे। जैसा ही है ये, मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म के अंदर इस तरह की मजहबी चीज़ के अंदर इफ्तिताह करना, ये धर्म के अंदर तो कोई पहुँचा हुआ ऊंचा आदमी, कोई ब्राह्मण होगा वो करेगा। मोदी जी तो ब्राह्मण नहीं है, मोदी जी कैसे इफ्तिताह कर देंगे? अगर कर देंगे तो क़यामत तक उसके अंदर हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को जानने वाला कोई जाएगा नहीं। अरे वो तो राजा हैं देश के, प्रधान। अब राजा हुआ करे, लेकिन ब्राह्मण होना ज़रूरी है। आप चले जाएँगे बताइए, मैं आप ही तो पूछता हूँ। मैं चला जाऊंगा, मैं तो मस्जिद भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। नहीं नहीं, तो पत्रकार हूँ। आप इंटरव्यू लेने जाते हैं, मगर आप उसके उसे मजहबी। मैं तो जब पत्रकार बन गया तो फिर मैं मजहब जाति पात से ऊपर उठ गया। ठीक है, तो खैर अब अगला मसला है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपसे कुछ ऐसा लगे कि मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सुनहरी मस्जिद का एक बहुत अहम मुद्दा है, सुनहरी मस्जिद का एक बहुत अहम मुद्दा है जो इस वक्त सुर्खियों में भी है। सुनहरी मस्जिद लगभग 150 साल पुरानी है और NDMC ने कहा है कि ट्रैफिक लगता है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा और NDMC ने प्लान बनाया है कि इसको तोड़ना ज़रूरी है और इस पर लोगों की आपत्तियां मांगी। उस पर आप लोग कुछ अभी कोर्ट जाने का फैसला कर रहे हैं क्या? हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत होगी तो हम जाएंगे। हमने ये कहा था कि असल मुद्दा ये है इसका कि वक्फ बोर्ड को जाना चाहिए और जिस वक्त इसकी ज़रूरत होगी कि हम उसके अंदर वक्फ बोर्ड की मदद करें या वक्फ बोर्ड के साथ हम जाएंगे, हमें कोई इसमें मसला नहीं। हम उसको अपना मसला समझते हैं, हर मस्जिद के मसले को। मेरे पास अभी सारे वकला जो वक्फ बोर्ड के थे, वो 5 वकील थे, 5 आए थे, चाय पी बैठे। उन्होंने आज जो कोर्ट के अंदर हुआ है उस सब को देखा है, सुना है। हमने उनसे भी ये बात कही है कि आप लड़िए जमीयत उलमा की, अगर किसी जगह ज़रूरत होगी। आजकल चूँकि बोर्ड नहीं है, इस बुनियाद पर हो सकता है उन्हें ज़रूरत हो, जमीयत उलमा उनकी कमर पर खड़ी हुई है। एक मसला चर्चा चूँकि इस बात की हो रही है तो ये भी हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो एक ज़मीन मस्जिद के लिए भी दी। कहाँ?
अयोध्या में हाँ तो थोड़ी दूरी पर ही है। नहीं नहीं, हमारे ये मसले मुसलमान के पास पैसा नहीं है, मुसलमान रोजाना बड़ी बड़ी मस्जिदें बना देता, बाबरी मस्जिद से 50 गुना ज़्यादा देवबंद में हमने मस्जिद बना दी, मस्जिद रशीद। हम क्यों अपनी मस्जिद की ज़मीन दे करके कोई दूसरी मस्जिद को के लिए हम ज़मीन गवर्नमेंट से लें? हम अपने मजहब में गवर्नमेंट से एक फूटी कौड़ी की भी मदद नहीं लेते। ये हमारा मजहब है, हम मजहब के खुद रखवाले हैं, हम किसी से नहीं सवाल करते। हम किसी मस्जिद के लिए गवर्नमेंट से पैसा या ज़मीन हम नहीं लेते। हम क्यों नहीं ज़मीन? हमारे अंदर ताकत है, हम जहाँ चाहेंगे कि यहाँ मुसलमान रहता है मस्जिद नहीं, वहाँ मस्जिद बना देंगे, और रोज़ बनती रहती हैं। लेकिन जो मस्जिद की ज़मीन दी सर, नहीं नहीं, हमें वो ज़मीन का, हमारी मस्जिद ले करके हमें दूसरी ज़मीन दें कि इसके ऊपर हम इस चीज़ को दुरुस्त नहीं समझते, ये तो गलत बात है। आप क्यों हमें देते हैं? हमारा मजहब है मस्जिद और मदरसा, हमारा मजहब जिंदा है मस्जिद और मदरसे से। इतने हम अपने मजहबी चीज़ के खुद रखवा लें, हम गवर्नमेंट, लोगों ने गवर्नमेंट से पैसा ले लिया था, सैकड़ों मदरसे हैं जिनको गवर्नमेंट ने कब्ज़ा करके स्कूल बना लिया है, हम गवर्नमेंट से लें और वो जगह फिर मस्जिद और हमारा धर्म स्थान रहेगा, आने वाली गवर्नमेंट उसको भी ले लेगी कल। आज मदरसों को ले लिया, जो हमारे बाप दादा की चीज़ थी, इनका कसूर यही था कि उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ पैसे ले लिए उसके लिए तनख्वाहों के। मथुरा में जो मस्जिद है उस पर भी सर्वे का आदेश हो रहा है, ये तो आज एक बाढ़ आई हुई है। बनारस में भी हो ही गया सर्वे, ASI का भी सर्वे, ये एक बाढ़ आई हुई है जो खुद अपनी गवर्नमेंट के उसूलों को और कानूनों को, इसी पार्लियामेंट ने कानून बनाया था 91 के अंदर कि बाबरी मस्जिद को छोड़ कर के मुल्क की आज़ादी पर जो भी धर्म स्थान जहाँ था जिसका था वो रहेगा। उस कानून की अब कोई वक़्त ही नहीं, उसको ठोकर से मारते हैं, हालांकि पार्लियामेंट का कानून था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये क्या चीज़ है? हम नहीं समझते इसको, हम ये समझते हैं कि जो कानून बना दिया है गवर्नमेंट ने, वो कानून अपनी जगह पर कानून, मगर वो नहीं चाहते हैं इस वक्त। न्यायालय निर्णय देता है सर्वे के, तो ठीक है, वो जो कुछ भी हो रहा है हम इसे सही नहीं समझते। हलाल मीट के मुद्दे पर आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए? हाँ, हलाल तो एक ऐसी चीज़ है कि मुल्क के अंदर हराम खाने वाले भी हैं, हलाल खाने वाले भी हैं। मुसलमानों को ये पता चले कि ये हलाल है ताकि वो उसे खा सके। इसके लिए अगर मुसलमान कोई काम करते हैं और उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, चीज़ को संभल करके समझ करके उनके वादे वईद ले करके उनको एक सनद दी है, सर्टिफिकेट दिया है कि ये हलाल है, उसको दुनिया के मुल्कों के अंदर भी भेजा जाता है। इस मुल्क के अंदर भी लोग खाने वाले बेशुमार लोग हिंदुस्तान में अरब मुल्कों से, मुस्लिम मुल्कों से सयाह आते हैं मुल्क के, वो इसकी तलाश में रहते भाई कहीं हलाल खाना मिल जाए। अगर यहाँ कोई पार्टी, कोई संस्था को, यानी मजहबी संस्था किसी चीज़ को देती है ये हलाल है, तो मुल्क में आने वाले लोग उसको खाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है कि इसको ख़त्म कर दिया, ख़त्म किसलिए करते हो? क्या चीज़ है जिस पर हलाल नहीं है? खुली हुई है दुनिया में, जो आदमी चाय खरीदे, मुसलमान का जीजा मुसलमान भी खरीदता है इसको, लेकिन वो मजहबी मुसलमान जो हलाल ही खाना कबूल करता है अपने मुल्क में भी, यहाँ भी आकर के हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर अकलियतें 20 करोड़ मुसलमान रहता है, वो अगर इस तरीके की कोई चीज़ करता है तो इसमें क्या रहे? सारे आप यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, यहूदियों के लिए हर चीज़ के ऊपर जिसको वो टेस्ट करके सर्टिफिकेट देते हैं, उस सर्टिफिकेट के ऊपर उनके खाने की चीज़ लिखी रहती है, वो उसी को खाते हैं, उसके सिवा कोई चीज़ खाते नहीं। क्या इसके अंदर मुसलमान भी हलाल का सर्टिफिकेट देते हैं? आप कह रहे हैं कि इसको सियासी रंग दिया जा रहा है, गलत है, ये चीज़ नहीं है। आखिरी सवाल आपसे, और चूंकि आप इतने ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं, माहौल ख़राब हो सकता है, गिरिराज जो कि केंद्रीय मंत्री, उनका भी बयान आया, आप क्या अपील करेंगे देशवासियों? नहीं, मैं हर वक्त हर जगह ये अपील करता हूँ कि मुल्क के अंदर अमन व अमान और भाईचारगी जिंदा रहनी चाहिए,
मैं समझता हूँ कि ये मुल्क जिंदा इसी तरह रहेगा कि हर आदमी मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम रखे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। किसी भी आदमी की तरफ से झगड़ा और फसाद, मैं उसका या जमीयत उलमा उसकी तायीद नहीं करती कतई नज़र उसकी कि उसका मजहब क्या है। मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त अगर कोई बात होती है गलत होती है, लेकिन हर आदमी को जहाँ कोई ख़तरा है अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, ताकि एक से दो, दो से तीन, तीन से चार जाने भी जा सकती हैं और इसके साथ साथ मुल्क का अमान भी ख़राब हो सकता है। उसको ख़राबी से बचाना हर हिंदू हर मुसलमान का फ़र्ज है। तो आइए नाज़रीन सामईन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो के अंदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातहम की इस वीडियो को सुना है, जिन्होंने नहीं सुना वो जा आइए हमारे चैनल पर, वीडियो को देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए और ध्यान से तवज्जो के साथ सुनिए मेरे दोस्तों, कि इसमें रिपोर्टर जो है वो सवालात, चंद सवालात करता है राम मंदिर को लेकर के, 22 जनवरी को जो उद्घाटन होने वाला है उसको लेकर के, कि किस तरह से सरकार को लेकर के चंद सवालात करता है। और वो हज़रत से ये भी सवाल करता है इसी बीच में कि अगर आपको ये नोटिस आए, आप तक ये ख़बर आए कि आपको जो है 22 तारीख के अंदर राम मंदिर अयोध्या उसके उद्घाटन में जाना है, तो आप क्या कहेंगे? तो हज़रत ने कहा कि भाई मेरे पास नोटिस क्यों आएगा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। बहरहाल आप इस वीडियो में मेरे दोस्तों सुनिए, शेयर ज़रूर कीजिए कि हज़रत वाला ने कितनी कीमती कीमती बातें कही हैं, कि जैसे कि अन्याय हुआ है कि हमारी मस्जिद को छीन करके, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी है कि वहाँ मस्जिद ही थी, यही हज़रत वाला ने इस वीडियो के अंदर बताया है। अब से पहले भी हज़रत ने यही कहा है और ये हकीकत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि वहाँ मस्जिद थी और मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद नहीं बनाई गई, बल्कि मस्जिद ही थी। बहरहाल आप इस वीडियो को सुनिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।